साहबे कराम पर खुलम खुला तनकीद करता है। नाउज बिल्ला, हमने साहबे कराम पर कभी भी तनकीद नहीं किया। दो तीन बंदों को साहबे कराम आपने बना दिया, ये तो इसी तरीके से दो तीन पाकिस्तानियों के ऊपर कोई तनकीद करके बाकी सारे पाकिस्तानियों के फजाइल बयान करे तो आप उसे कहेंगे कि ये पाकिस्तान पे हमला कर रहा है? नहीं, वो दो तीन बंदों पे है ना, उन दो तीन बंदों का कहा करें। और वो तनकीद खुद नहीं करता, वो करता है जो बुखारी मुस्लिम में उनके बारे में आदीस मौजूद है, और वो तनकीद भी बराए इस्लाह हो रही होती है, ना कि उनकी कोई इज्जत कम करने के लिए। वरना तो हमारे पंफलेटों में उन बंदों के नामों के साथ रजी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ है, चाहे हजरत मुआविया हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा हो, अमर बिन आस हो, रजी अल्लाह अन्हु मजमईन। तीन बंदों को साहबा इकराम आपने कह दिया, वही साहबा तो आप खुद कहते हैं 1 लाख से ज्यादा है, उनमें तीन बंदों का तो आटे में नाम वाला भी मामला नहीं है। लेकिन अगर यही तीन बंदे उन लोगों के खिलाफ हों जिनको हम खुलफाए राशिदीन मानते हों, और जामे तिर्मिज़ी अबू दाऊद और इब्ने माजा की हदीस हो, तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, दीन में नई नई बिदतों से बचना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना, तो खुलफाए राशिदीन के मुखालफीन के ऊपर अगर कोई बंदा बात करता है तो वो जाती बात तो नहीं कर रहा। हजरत अली के मुखालफीन पे जब हम बोलते हैं तो हम हजरत अली की फेवर में बोल रहे होते हैं, हमको थर्ड पार्टी नहीं होते, हम हजरत अली की पार्टी मान के बोल रहे होते हैं। थर्ड पार्टी तो तब हो जब हम दोनों के खिलाफ बोल रहे हो, जब हम हजरत अली का साथ देते हैं मुखालफीन के खिलाफ तो हम हजरत अली की पार्टी का हिस्सा है और उन साहबा का हिस्सा है जिन्होंने हजरत अली को खलीफा चुना। और वो कौन से हैं? वो वही है जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान को चुना, तो हम हजरत अली के साथ। मदूदी साहब पर लोग इतराज करते हैं, मदूदी साहब तफहीमुल कुरान में जब भी लिखते हैं ना एंड पे कहते हैं मैं ये कहता हूं, तो वो अपनी राय देते हैं, बिल्कुल झूठ। वो हमेशा इख्तलाफी मौजूदात पे फिकी मसाइल को डिस्कस करने के बाद तफहीमुल कुरान में वो लिखते हैं इमाम अबू हनीफा की ये राय है, इमाम शाफी की ये राय है, इमाम मालिक की ये राय है, इमाम आमर बिन हंबल की ये राय है, इमाम सुफियान सौरी की ये राय है, बाकी सारे आइमा की राय लिख के एंड पे कहते हैं कि मेरे नजदीक इस मसले में इमाम शाफी की राय ज्यादा बेहतर है। वो जब ये कहते हैं ना मैं ये कहता हूं कि इमाम शाफी की राय बेहतर है, तो वो अपनी राय नहीं दे रहे बल्कि इमाम शाफी की सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी राय कौन सी उन्होंने दे दी? ठीक है, जब हम हजरत अली के मुखालफीन के बारे में अम्मार इब्ने यासिर का खुतबा पेश कर दें, हजरत अली की कुनूत नाजला वाली रवायतें पेश कर दें, तो हमारी तो अपनी राय है ही नहीं, हम तो हजरत अली की राय पेश कर रहे हैं। ये कहानियां करानी भी बंद करें और मेरा करबला वाला रिसर्च पेपर फौरन मंगवा लें, फ्री आएगा आपके घर, बाकी तमाम रिसर्च पेपर्स भी जी यहां से सबको फ्री मिलता है, सैकड़ों लोगों को सुबह से लेकर शाम तक 9 से 5 बजे तक रोजाना आप कॉल करें 03215900162। सिर्फ आपसे TCS का खर्चा मिलेगा, डाक का आप देंगे, फ्री तमाम रिसर्च पेपर्स करबला वाला, 7 मजीद 8 रिसर्च पेपर, टोटल 9, 3 इसकार कार्ड आपके घर फ्री आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप खुद ही पढ़ के देख लें ये क्या मामला है, खुसूसन सैयदना अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बदतरीन इल्जामात आयद करता है, नाऊज़ु बिल्लाह, इनको बिदती बागी गालीबाज और बेशुमार इल्जामात लगाता है। नहीं, मैंने कभी अल्फाज नहीं बोले, मैं कहता हूं हदीस में आया है कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात दोजख की तरफ बुलाएगी। और ये हदीस जब भी मैंने बयान की मैंने कहा कि दोज की जमात नहीं, दोजख की तरफ बुलाने वाली, वो फैसला अल्लाह ने करना है, ये सही बुखारी 2812। तो ये फिर मुझसे पहले इमाम बुखारी को आप लोग मुजरिम क्यों नहीं कहते हैं? और ये हदीस तो मुस्लिम में भी है कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, तो मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कहता, ये यहां पे यहां लिखना चाहिए था कि ये बुखारी मुस्लिम से वो हदीसें बयान करता है जिसमें उनको जो है ना वो बागी और तिर्मिज़ी अबू दाऊद में आया कि जो खुलफा राशिदीन के खिलाफ खड़े होंगे वो बिदती होंगे, और गालीबाज में वो सही मुस्लिम में आया है कि लानल्लाह वबतुराब और अमरा मुआविया साद इब्ने अबी वक़ास को हुक्म दिया, और फिलिंग दी ब्लैंक्स इब्ने तैमिया ने मैंने आजुस सुन्ना में किया कि साद इब्ने अबी वक़ास को अमीर शाम ने हजरत अली पे सबो शतम का कहा, उन्होंने इनकार किया। ये आप ये बताया करें, बेशुमार इल्जामात को इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो मुस्लिम की हदीस 4776 पेश की थी कि एक ताबी ने आके अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से खाने काबे के साय में बैठे हुए थे कहा था कि आप हमें इताअत अमीर की हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्ने अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है वो तो हमें हुक्म देता है हम लोगों को नाहक कत्ल करें और इनका माल हराम तरीके से लूटें, जबकि अल्लाह कहता है कि एक दूसरे को नाहक कत्ल ना करो और हराम तरीके से एक दूसरे का माल हड़प ना करो, हम अल्लाह की इताअत करें या मुआविया की इताअत करें। सूरह निसा की आयत नंबर 29 उन्होंने पढ़ी, हमारे हसन भाई कहते हैं शुक्र है अगली आयत नहीं पढ़ दी, वो 30 नंबर भी थी कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है।
3 نمبر آیت، انہوں نے 29 ہی پڑھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو رشتہ دار بھی تھے حضرت معاویہ کے، ان کے باپ دست راست رہے عمر بن عاص، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں الزامات لگا رہے، یا یہ ایک تابعی الزامات لگا رہا ہے اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یار آندہ کے بعد تو نے انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھی. یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے نہیں کہا، انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. بڑی لمبی حدیث ہے. ایک انصاری کو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بھیجا، راستے میں اس کو غصہ آیا، اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلوایا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اور کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے، لہذا تم اس میں کودو. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے، تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دھکیل رہے، ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. جب نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ واپسی میں پیش ہوا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. تو یار اس انصاری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی، بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا. تو تھوڑے بابے کدھر، بابے تے شاہی کوئی نہیں، نواں جملہ ہے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. جدو انصاری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے، اور حضور کہہ رہے تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے صحابی کی اطاعت تم کرتے، کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرف بلا رہا تھا. تو اس کے اینڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. تو یہ تو میرے بھائی اس بالکل واضح ہے.